क्या कंक्लूजन इससे ड्रॉ करेंगे? क्या वो समझते हैं कि ये सब गलत है? क्या वो उनको परवाही नहीं है कि आदमी ऑनेस्ट हो या डिसऑनेस्ट हो? अगर वो बात है देन व्हाई डिड दे वोट फॉर इमरान खान? इमरान खान की एक ही तो खूबी है, व्हाट अदर खूबी इज ही, कि ये ईमानदार है। तो मैं हैरान हूं कि किस किस्म के सबक हम इस इलेक्शन से ड्रॉ कर रहे हैं। सर लेकिन जो उनके दाएं बाएं उनके बारे में तो सोच के कहना पड़ता है ना कि वो ईमानदार हैं या नहीं। लेकिन चले वापस इस पे आती हूँ। आमिर मतीन साहब, सर ये जो हम बात कर रहे थे कल भी, आप लोग इसी पे राय देते रहे कि जो लाहौर के हलके हैं अगर हम मेजर स्टेक उस पे देखें नून लीग का, तो वहां पर वैसा ही नजर आ रहा है जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे कि साद रफीक साहब शायद इतनी आसानी से हार ना सकें, और दूसरा खाकान अब्बासी साहब के लिए बड़ा मार्जिन है कि हमजा साहब के हलके से इलेक्ट हो सकें। अभी भी सिचुएशन वैसी है। मैं हिलाली साहब से बड़ा डरते डरते ये बाद में नाराज हो जाते हैं, पर मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये जो कह रहे हैं कि वही फैक्टर्स हैं इस उस इलेक्शन में जो कि जनरल इलेक्शन में थे। हाँ जनरली यस, मगर जहाँ पे मार्जिन बहुत थोड़ा है जैसा कि साद रफीक के उसमें बहुत थोड़ा मार्जिन है, वहाँ कैंडिडेट से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि मैं समझता हूँ वहाँ पे इनकी अगर अच्छा कैंडिडेट होता हुमायूं अख्तर ना होते, टेंटेड पास्ट है ना, टेंटेड पास्ट है, कुछ लोग उनके नून लीग के पुराने उस पर नाराज़ हैं, कुछ उनके मुशर्रफ के दौर की नाराज़गी हैं और कुछ हैं, तो वो उससे कैंडिडेट से जहाँ कम मार्जिन है फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा और भी फैक्टर्स, कम मार्जिन वालों में छोटे मोटे ये फैक्टर्स पड़ते हैं कि पिछले जनरल इलेक्शंस में फिर भी एक तबके को उम्मीद थी कि ये पावर में नून लीग वाले आ सकते हैं, कुछ उनके फेवर में जाती हैं कुछ उनके अगेंस्ट जाती हैं, कि वो अब कोई उम्मीद नहीं रहेगी। प्लस ये है कि बड़ा कुछ तब्दील हो चुका हुआ है, नवाज शरीफ साहब के जेल जाने से, उनकी साहबजादी के जेल आने से, उनकी बेगम साहबा के फादर ने कुछ सिंपथी फैक्टर्स भी है, गुड और बैड ये फैक्टर्स मैटर करते हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ पे कम मार्जिन है और लाहौर में ख़ास तौर पे जहाँ पे ये है, एक तो क्लियर है ना कि शायद खाकान अब्बासी साहब जिस सीट पर लड़ रहे हैं वो 68,000 का मार्जिन है, तो वहाँ अब छोटे मोटे फैक्टर्स नहीं मैटर करेंगे। मगर साद रफीक की उसमें जहाँ पे सिर्फ जो है 680 का वोट्स का मार्जिन है, वहाँ पे कैंडिडेट के अच्छे बुरे होने से बहुत फर्क पड़ जाता है, और भी जहाँ जहाँ छोटा मार्जिन है। बिल्कुल ठीक। अच्छा और मार्जिन भी 131 में कि जो अभी तक हमने पैटर्न पता लग रहा है, वक्त आएगा पता लगेगा कि जो प्योरली शहरी इलाका है उसमें टर्नआउट बहुत कम है, और जो साथ के इलाके हैं जहाँ रूरल सेमी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे टर्नआउट ज़्यादा है, वो ट्रेडिशनली लास्ट टाइम भी PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड ज़्यादा था, तो ये डबल इम्पैक्ट हो जाएगा। बाकी जो बातें आमिर ने की हैं ये बिल्कुल वही बात है, कैंडिडेट का बहुत बाय इलेक्शन में कैंडिडेट का क्लोज कॉल में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन साद रफीक साहब आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि वो ये सीट फिर भी निकाल सकते हैं क्योंकि हुमायूं अख्तर साहब बेहतर चॉइस नहीं थे PTI के जो ज्यादातर लोगों की? मुझे इस वक्त अगर आप मेरे से पूछें इफ आई वर टू बेट ऑन अ हॉर्स राइट नाउ तो मैं इस वक्त तो साद पे बेट करूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्लासेस साहब, सर आप डॉक्टर दानिश साहब से ले लें फिर वापस आकर। चलिए ठीक है, ठीक है डॉक्टर दानिश साहब। सर ये जो साद रफीक साहब वाला मुकाबला है, सर आपको क्या लगता है अगर साद रफीक साहब? आप ऐसा ही करें, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, आप क्लासरा साहब से ले लीजिए फिर मैं इंतजार नहीं, मैंने दिल से कहा रियली डॉक्टर साहब प्लीज आप मुझे भी बहुत दिल मेरे भाई है दोस्त है। नहीं नहीं आप प्लीज, नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैंने कि यहाँ हो गया फिर मैं उस पर आराम से बात करूँ, प्लीज आप डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। अगर ये जो दो हल्के हैं स्पेशली लाहौर के, इस पे अगर जीत जाती है सर नून लीग तो फिर PTI के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है, और दूसरा ये कि शर्मिंदगी कितनी होगी PTI के लिए ये? अच्छा बहुत पहले तो आपका नहीं बल्कि रोब क्लासरा का शुक्रिया कि उन्होंने मेरी तरफ ये भेज दिया है। अच्छा देखिए जहाँ तक सिलसिला है वो ये है कि ओवरऑल जो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्शन के जिन जिन पार्टियों ने छोड़ा है जितना, वो तकरीबन मुस्लिम लीग काफ ने दो सीट छोड़ी थी उस पर वो आगे जा रहे हैं, PTI तकरीबन 5 सीट पर आगे जा रही है, और PMLN 3 सीट पर जो कि इस वक्त आपका स्क्रीन हमें दिखा रहा है, तो और एक MMA जो है वो एक सीट पे आगे जा रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही है। लाहौर के हलके में जहाँ तक ताल्लुक़ है हमज़ा शहबाज वाले हलके की, उसकी मार्जिन बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 67,000 का फ़र्क था। सही कहा मतीन साहब ने कि इतना फ़र्क है, इसको अगर कम भी किया जाए तो और अगर शायद खाकान अब्बासी की यहाँ इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो उनका ये था कि वो इस इलाके के नहीं है, उनकी अगर इस शख्सियत को डैमेज भी होता है तब भी इतना फ़र्क है कि गिरते गिरते ये सीट तो थी
थी पीएमएलएन की जो नजर आ रही थी। हाँ, 680 वोट के फर्क से यहाँ पर इमरान खान खड़े हुए थे साद रफीक के सामने, और जो अभी कैंडिडेट खड़ा हुआ है बिल्कुल सही है कि कैंडिडेट का जो है वो ज़िमनी इंतखाब में उसका भी अपना एक रोल होता है, लेकिन अब हमारे इस सिस्टम में, इलेक्टोरल सिस्टम में जो हमने देखने में आया है, माजी में हमने देखा है कि बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो ज़िमनी इंतखाब में हार जाते हैं, हुकूमती कैंडिडेट चाहे कितना ही कमज़ोर हो वो जीत जाता है, कितना ही उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएं वो जीतता है। माजी में हमने इसी लाहौर में भी देखा, इसी फैसलाबाद में भी देखा, इसी कराची में भी देखा, इसी सिंध और दूसरे एरियों में देखा। आज पीटीआई की हुकूमत है और उस हुकूमत में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब में भी, मरकज़ में भी, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि जनाब यहाँ टफ मुकाबला है और साद रफीक साहब यकीनन आगे हैं, लेकिन अभी क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट्स तकरीबन कोई 17 या 25% अभी बड़ी दिल्ली दूरस्थ बहुत दूर है, कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन बहरहाल ये मुकाबला जो होगा साद रफीक का, इसमें जो सिचुएशन जा रही है, जैसे पीटीआई के एक तर्जुमान ने कहा था कि जी हुकूमत का इसमें अमल दखल नहीं होगा, और हमने देखा भी कि उनके मिनिस्टर्स वगैरह इसमें नहीं आए, इंडिविजुअल कैंडिडेट ने जो है अपनी वैल्यू को यहाँ किया है आया, लेकिन एक बात तय है कि लड़ जो रहे हैं इस सिस्टम के दो पहलवान, एक मंशा भट्ट है तो एक गुल्लू भट्ट है, और एक जो है वो क्या नाम है उज़ैर बलोच है, लड़ाई इन्हीं के दरमियान हो रही है, तो देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा। और कराची में जो हमें उम्मीद थी कि एक अपसेट सामने है एमक्यूएम के हवाले से, लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है मार्जिन, इमरान खान साहब ने सीट छोड़ा, बहुत बड़ा मार्जिन है, इसमें देखते हैं कि एमक्यूएम किस हद तक अपने आप को रिकवर करती है, इधर जीतती है या मार्जिन कम करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा क्लासेस अब सर, हम ब्रेक के दौरान बात भी कर रहे थे कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिस तरह पीटीआई ने, जिस तरह डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि इतना असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की इंतखाबात में, क्या ये समझा जाए कि वो बहुत लेट बैक किस्म की हो चुकी थी हुकूमत में आने के बाद कि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था अगर ज़िमनी इलेक्शन में कुछ सीटें लूज भी कर दें। और दूसरा सर, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने जनरल इलेक्शन में जिन नशस्तों पर वो हारे दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में सूबाई नशस्तों के ऊपर दोबारा इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या एक दफ़ा अगर अवाम ने रिजेक्ट किया तो उनको दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शन में? खैर ये तो उनका चॉइस है कि दोबारा वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, लेकिन इसमें वो डिफरेंट है थोड़ी सी जो बात हम ब्रेक में कर रहे थे। अब चौधरी निसार अली खान को देख लें, दो सीटों से आ रहे, बल्कि एमपीए की सीट पे भी उनका था मेरा ख्याल है, जीत गए अगर मैं गलत नहीं कह रहा, की सीट पे एक नहीं उठाया और एक साल तक सवा साल तक मेरा ख्याल जो कानूनी पहलू है कि वो वहां पे बाय इलेक्शन नहीं होगा इंटरनलेस के वो इन्फॉर्म कर दें कि मैंने ये नहीं करना, वो खुद छोड़ दें, तो वो उनका पॉलिटिकल करियर जो है ना अभी अलाइव है कि वो सीट खाली है और एक साल सवा साल तक रहेगी अनटेंडेड, तो खुद इन्फॉर्म करें। तो लिहाजा वो थोड़ा सा हम हालांकि क्रिटिकल रहे हैं चौधरी निसार अली खान साहब के बहुत सारे चीज़ों पे, लेकिन एक चीज़ तो देना कि अगर वो इलेक्शन हारे एमएनए की सीट से दोबारा, उन्होंने हालांकि था ना उनके पास के गुलाम सरवर के बेटे का केस दोबारा पुट करते नहीं किया, उन्होंने मैं 5 साल वेट कर लेता हूँ, जो हम पहले बात कर रहे थे कि सियासतदानों में आदत होती है कि वो वेट करना जानते हैं, उन्हें पता है, वो कहते हैं ना टू लिव टू फाइट फॉर अनदर डे, सो वो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब वो एमपीए की सीट थी नहीं ली, दूसरी तरफ वो हमारे सरदार हैं इलाके के, अवैस लगारी साहब, बल्कि कभी इनके भी सरदार थे वो, मेरे सरदार कोई नहीं थे, और मान लें सर, जब फिर मैं सारी बातें बताऊं आप, चले आप सारी बता दें, चले आप मेरे दादा की डीजी खान की कब्र से लेके जो मर्जी बता दें, उसका मतलब ये नहीं था, अगर वो मेरे सरदार है तो फिर उस्मान बोजदार साहब जो है वो आपके चीफ मिनिस्टर, अब ये देखे उस पे जाती उस पे ले गए, देखे मतलब कहां मासूम आदमी है इस दुनिया में, एक उस्मान आप सुने, आप कहां सरदार अवैस खान अहमद लगारी, कहां बेचारे बुजदार, कहां बेचारे एक छोटा सा हमारे तरह का बुजदार, क्या कंपैरिजन था कि ड्रा किया सर, खैर एनीवे आप उनको देखें भाई, आप एक इलाके के सरदार हैं, वफाकी वजीर हैं, बड़ा नाम है, लेकिन वही ना पावर को आपने जो बात कल आमिर ने की थी, जो आप परवेज खट्टा को लेसन दे रहे थे, इनको दे रहे थे यार मोहम्मद अली, इनको कोई इज्जत गैरत कोई चीज नहीं होती सियासत में, पावर ही थी, छोड़ो पड़े किस चक्कर में पड़ गए हो यार, अपने को तुम इज्जतदार के चक्कर में पड़ गए हो, वही अब वहां पे अवैस खान, जो मैं अगर गलत नहीं कह रहा, वो एमपीए की सीट पर लड़ रहे हैं, एमपीए की इलेक्शन लड़ रहे हैं, बुखारी साहब भी एमपीए की सीट पर लड़ रहे हैं, ओथ नहीं लिया।